फोर्ड हॉस्पिटल, उत्कृष्टता एवं अपनत्व की अनुभूति, न्यू बाईपास खेमनीचक, रामकृष्ण नगर, पटना। एक पेशेंट है, मुकेश कुमार इनका नाम हुआ, रहने वाले हैं बिहार शरीफ के। इनकी बीमारी है एंकलोजिंग स्पोंडिलाइटिस, जिसमें शरीर धीरे धीरे टेढ़ा होते जाता है, रीढ़ की हड्डी पूरा का पूरा बोन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे मरीज ओवर द पीरियड एक साल दो साल पांच साल में पूरा ही बेंड होते होते 90 डिग्री 110 डिग्री बेंड हो जाता है। इस तरह से बेंड हो जाता है कि अपना जिंदगी जीने में भी अक्षम हो जाता है। मैं डॉक्टर महेश कुमार, कंसल्टेंट स्पाइन सर्जरी, मैं रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करता हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में स्पाइन रीढ़ से संबंधित मरीज बहुत सारे हैं, और आम धारणा ये है कि स्पाइन की सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होती, मतलब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करने के बाद मरीज ठीक नहीं होता है, खासकर जब उसमें रीढ़ की हड्डी जब पूरा टेढ़ा बहुत टेढ़ा हो जाने से या नस दब जाने से लोग ये सोचते हैं कि ये तो ठीक नहीं है, ठीक होने का चीज़ नहीं है, कभी आयुर्वेदिक कभी होम्योपैथिक कभी ये और वो दवाइयाँ खाते रहते हैं और बीमारी बढ़ती रहती है। इस बीमारी को कहते हैं एंकलोजिंग स्पोंडिलाइटिस। एंकलोजिंग का मतलब होता है आपस में जुड़ जाना, स्पोंडिलाइटिस का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी में ये बीमारी होना, तो दिस इज कॉल्ड स्पोंडिलाइटिस, एंकलोजिंग स्पोंडिलाइटिस। ये पेशेंट है मुकेश, 10 सालों से करीब इस बीमारी से परेशान था, धीरे धीरे जैसे जैसे बीमारी की अवस्था बढ़ी मरीज टेढ़ा होता चला गया, और इतना टेढ़ा हो गया कि वो चल फिर भी नहीं पा रहा था। 100 में से करीब 3 से 5 मरीजों में लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। अब मुकेश ही बताएगा कि इसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम्हारी बीमारी स्टार्ट कैसे हुई थी। सर, पहले धीरे धीरे दर्द हुआ, साल दो साल दवाई चलाते गया, दर्द कम जाता था, फिर दर्द होता था, फिर दवाई खाते थे, लास्ट में हम झुकना स्टार्ट हो गए। झुकते मतलब कि झुका चल गए, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर कहता है सीधा हो गए। तो आप इस बीमारी के इलाज के लिए कहाँ कहाँ गए? पटना आए थे 2 बार पहले, फिर बिहार शरीफ में दिखवाए 3-4 डॉक्टर से, एक बार दिल्ली गए थे वहाँ भी दिखवाए थे, तो वहाँ भी बोला कि नहीं है तो सीधा होने का चीज नहीं है। और कहीं गए फिर? और कोई दवाई लिए? दवाई तो बहुत खाए, नवादा खाए हैं। अच्छा, और जैसे जैसे टेढ़ा होते चला गया इसकी परेशानी और बढ़ती चली गई, लेकिन दर्द नहीं कमा, आगे झुकता भी चला गया, और स्थिति ये हो गई कि ये 90 डिग्री से ज्यादा झुक गया, और इतना झुक जाने के बाद इसके लिए संभव नहीं था कि अपने जीवन प्राणिक जीवन अर्पण के लिए कुछ मीनिंगफुल काम कर पाए। फाइनली ये जब हमें मिले, मरीज हमसे मिले, और जब मैंने समझाया कि इस बीमारी का इलाज संभव है, तो बहुत लोगों ने इसे समझाया कि नहीं नहीं नहीं, इस इलाज के बाद तो तुम्हारा पैर चलना बंद हो जाएगा, ये कभी सीधा होता है क्या, तो इस तरह की धारणाएं लोगों के मन में रहती है। प्रायः आम जनता में ये माना जाता है कि स्पाइन की सर्जरी, खासकर जब इस तरह की सर्जरी में तो कोई मरीज ठीक होता ही नहीं है, ये धारणा इसके मन में भी थी। किसी तरह से हमारे समझाने से और भी लोगों ने समझाने से मुकेश रेडी हुआ कि नहीं चलो ठीक है, हमें सीधा होना है, हमें जिंदगी जीनी है। आया और ऑपरेशन के बाद पूरी तरह अब जब आपके सामने है सीधा हुआ, और सीधा होके ऑपरेशन के दूसरे दिन से ही चल फिर पा रहा है, ना इसे पैर में कोई कमजोरी है और ना ही इसे ऐसी कोई समस्या हुई जिसके लिए ये बहुत ज्यादा चिंतित था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसके परिवार वाले जिस तरह से चिंतित थे। सीधा है, सीधा देख सकते हैं, सीधी तरह चल सकते हैं, और अपना काम नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि इस तरह की बीमारी, विच इज कॉल्ड एंकलोजिंग स्पोंडिलाइटिस, ठीक हो सकती है, मरीज नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। ये धारणा तोड़ना होगा कि इस तरह की बीमारी ठीक नहीं होती है। फोर्ड अस्पताल में स्पाइन सर्जरी के लिए हर तरह की सुविधा मौजूद है, न्यूरो मॉनिटरिंग, जिससे कि मरीज को ऑपरेशन के दौरान हम ऑपरेशन के दौरान ये देख पाते हैं कि मरीज के नस में कोई डैमेज हो नहीं रहा है। सेल सेवर, जिससे मरीज के खून का रिसाव होने पे उसको वापस हम यूज कर पाते हैं। बहुत सारी दवाएं जिससे कि खून के रिसाव को कम किया जाता है, ताकि मरीज 100% सुरक्षित रहे। तो इस तरह के ऑपरेशन पहले भी कभी हुए हैं, यहाँ पे काफी सारे हुए हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा टेढ़ा मरीज का ऑपरेशन ये पहली बार हो रहा है, क्योंकि इस कंडीशन में आने के बाद लोग आशा छोड़ देते हैं कि अब तो हम ठीक होएंगे नहीं,
लेकिन ये ठीक भी है, आपके सामने है, मरीज बिल्कुल ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी ठीक हो सकती है और हमारे अस्पताल में ये सारी सुविधा मौजूद है जो मरीज के सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से चाहिए। माइक्रोस्कोप, नेविगेशन सिस्टम, सेल सेवर, न्यूरो मॉनिटरिंग, हर वो चीज जो स्पाइन सर्जरी के लिए दुनिया में कहीं भी मौजूद है सुविधा, वो हमारे यहाँ मौजूद है और मरीज का कम से कम दाम पे सुरक्षित तरीके से इलाज किया जा रहा है। जहां इस बीमारी में 10 से 15 लाख खर्च होता है बड़े शहरों में, वो भी जबकि डिफॉर्मिटी कम रहती है, टेढ़ापन कम रहता है। इतने टेढ़ापन में तो कोई करने को तैयार नहीं है, जैसे उन्होंने खुद बताया कि हम कहीं गए कोई करने को तैयार नहीं, सबने बताया कि ये तो ठीक हो गए। विदेशों में इस ऑपरेशन में खर्च करीब करोड़ों में चला जाता है, आप यहाँ पे हमारे अस्पताल में लाख दो लाख के अंदर ही सारा काम मरीज का हो जाता है। इसके अलावा हमारे अस्पताल में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की भी सुविधा मौजूद है, मरीज को काफी हद तक पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष से भी मिल जाता है, जिससे मरीज को अपनी तरफ से बहुत ही मामूली खर्च करना पड़ता है, बाकी ज्यादातर खर्च सरकार इसको निर्भर करती है। आपको ये बताना चाहते हैं कि जब भी स्पाइन की समस्या हो, जब भी आपको लगे कि हाँ हमारी समस्या इतनी है कि हम अपनी जिंदगी जी नहीं पा रहे हैं, जीने में परेशानी हो रही है, तो अपनी समस्या को गंभीरता से लें। स्पाइन की सर्जरी बहुत सुरक्षित तरीके से और सफल तरीके से करना संभव है। जिस तरह की मशीन आज के डेट में आ चुके हैं, जिस तरह के गैजेट्स आज के डेट में मौजूद हैं, आप इन सारी सुविधाओं को यूज करते हुए अपने स्पाइन का इलाज सफलपूर्ण सुरक्षित तरीके से करा सकते हैं सक्सेसफुली, और स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होता है। ये आपको जानना होगा कि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज नहीं होता है, उसके लिए न्यूरो मॉनिटरिंग, न्यूरो सेंसर अवेलेबल होते हैं जो स्पाइन कॉर्ड को सुरक्षित रखते हैं। और नई तकनीक में पेडिकल स्क्रूज, नेविगेशन सिस्टम, ये सारे सिस्टम अवेलेबल हैं, जिससे कि एक एक चीज को प्रिसीजन से किया जा सकता है, प्रिसीजन बहुत ही बारीकी से किया जा सकता है। आप ऑपरेशन के एक से दो दिन बाद ही चल फिर सकते हैं, अपने सारे काम कर सकते हैं, खाना पीना खा सकते हैं, बिस्तर पर पड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। कि जो भी मरीज स्पाइन के रीढ़ के रोग से ग्रसित है, जिनका रीढ़ टेढ़ा हो चुका है, पैरों में कमजोरी है, हाथ में कमजोरी है, हाथ में झिझनी है, पैरों में झिझनी है, चल नहीं पाते हैं, पेशाब पैखाना रुक जाता है, ऐसे सबसे मुझे अपील है कि आप इस समस्या का जल्द से जल्द आकर यहां दिखाएं, और इसका इलाज पूर्णतः सुरक्षित है, सफलतापूर्वक किया जाता है। चाहे आपका हड्डी कितना भी टेढ़ा हो चुका है, चाहे आपका नस कितना भी दब चुका है, हर वो समस्या का इलाज सुरक्षित और सफल तरीके से संभव है। आप फोर्ट अस्पताल में आए और अपनी समस्या को दिखाएं, आपको पहले हम जानकारी देंगे, हमारे पास ढेर बहुत सारे मरीज इसका इलाज करा के इसका लाभ ले चुके हैं। एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ से आए हुए कुशल चिकित्सक यहाँ मौजूद हैं, न्यूरोसर्जन, स्पाइन सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, मरीज के हर समस्या का बहुआयामी तरीके, हर डायमेंशन को एड्रेस किया जाता है, उनके हर कंसर्न को, हर वो चीज जिससे वो चाहते हैं कि हाँ हमारी ये समस्या यहाँ है, उस समस्या के लिए क्वालिफाइड डॉक्टर यहाँ मौजूद है, पूरी टीम है जो उनका केयर करती है, हमारी फिजियोथेरेपिस्ट टीम, स्टाफ की टीम, डेडिकेटेड टीम है 24/7 वो मौजूद है आपके लिए।